स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थी इसके डीवी शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं बोर्ड के द्वारा रिजल्ट निकालकर यहां पर दोगुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए सेलेक्ट किया गया था, और वे सभी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल और प्रोसेस स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट जारी हुए यहाँ पर लगभग 3 वीक गुजर चुके हैं, लगभग 22 दिन का समय यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक डीवी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। वैसे अगर हम बात करें एक सामान्य तौर पर रिजल्ट आने के लगभग 15 से 20 दिन के भीतर आपका डीवी शेड्यूल आ जाता है, और लगभग 3 वीक के बाद यहाँ पर आपका डीवी स्टार्ट भी हो जाता है। आपने विभिन्न भर्तियों में देखा होगा, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में ऐसा देखने को नहीं मिला है अभी तक। आप सभी जानते हैं इसके पीछे बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा विभिन्न कारण बताए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इस समय काफ़ी भर्तियाँ हैं जिनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, साथ ही यहाँ पर उनके पास स्टाफ की भी काफ़ी कमी है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो बोर्ड की तरफ से यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका डिपार्टमेंट चाहे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर DTA और बोर्ड दोनों अपने अपने लेवल पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो अगर DTA आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा लेता है तो उतने समय में बोर्ड यहाँ पर फ्री हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड के द्वारा भी करवा लिया जाएगा। इसी बीच आप सभी ने देखा होगा कि परसों के दिन GNM का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी हुआ है, तो कल की डेट में फॉरेस्ट गार्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अभी इस वीक में यानी कि अगर हम बात करें तो आज से लेकर 25 तारीख तक इनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसके बाद लगभग 3 से 4 दिन में इनका ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपके भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की पूरी उम्मीद है, तो आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर जल्द से जल्द होगा, इसी की उम्मीद है। जहाँ तक अनुमान है आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है, तो उसके बाद लगभग 1 वीक में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ तक अनुमान है आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा, और उसके 1 वीक बाद आपका ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जहाँ तक उम्मीद लग रही है लगभग अगस्त के महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो सकता है, या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं उनके द्वारा भी विभिन्न तरीकों से प्रयास किया जा रहा है, हर स्तर पर उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आपका जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। अभ्यर्थियों के द्वारा बोर्ड जाकर, साथ ही आपके डिपार्टमेंट DTA जाकर, इसके अलावा विभिन्न मंत्रियों से मिलकर जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की मांग की जा रही है, और इसी को देखकर लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द यहाँ पर करवाया जाएगा, ताकि आपकी यहाँ पर प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और जहाँ तक उम्मीद है दिवाली या उसके आसपास आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में अब ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका जल्द से जल्द आने की उम्मीद है। लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होने के 1 महीने के भीतर भीतर आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और उसके लगभग 15 से 20 दिन में आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करके 1 वीक के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि दिवाली के आसपास यानी कि अक्टूबर या नवंबर के महीने तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है, और लगभग 5388 अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं। तो इस बार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि विभिन्न भर्तियाँ कंप्लीट करवा कर उनकी ज्वाइनिंग होनी है, तो जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आप सभी को प्रयास करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर जल्दी हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस भर्ती को कुछ ज़्यादा ही जल्दी किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं भर्ती पहले से ही काफ़ी लेट हो चुकी है, हमने पिछले वीडियो में बात की है कि लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय इस भर्ती को हो चुका है। अब अगर इसमें जल्दी नहीं होगी तो फिर इस भर्ती को इतना जल्दी कैसे कंप्लीट करवाया जा सकेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर लगभग 5388 पोस्ट है, तो ये भर्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जितना जल्दी प्रोसेस होगी उतना ही जल्दी आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, और सभी माध्यमों से आपके लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो सके। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आपका जारी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।